जवाब नहीं देना चाहते हैं सरकार को, हम डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी खून है जो शरद की रखवाली करता है इस देश की। अगर हमारा खून वहां से हट जाए ना, तो एक दिन में ये जो एमएलए मंत्री रेशियो में सोते हैं, एक दिन भी जी हम जीतेंगे, आज तक हम नहीं आ रहे हैं। और 22 तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ है भाई, जो कुछ किसान हमारे साथ है जुड़ चुके हैं, किसान यूनियन से है। और जैसे कि आपको पता है कि जो लगातार है जो धमतान साहिब का जो मामला जो चला हुआ है, और जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, पूरा मामला है आज हम जानना चाहेंगे जी, पूरा मामला एक बार बताइए। और आज जो गाँव धमतान में है जो महापंचायत यहाँ पर हुई थी, क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए सबसे पहले तो हम पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारी ये कवरेज पूरे हरियाणा में पूरे देश में पहुँचाते हैं और हमारी आवाज़ को उठाते हैं। जो मामला है हमारे किसान साथी का, किसान साथी के घर पर जब पुलिस कर्मचारियों ने रेड मारी तो उनको वहाँ बिजली के कर्मचारी थे उसके अंदर, उन्होंने उनके साथ हाथापाई भी किया, माता बहनों के साथ भी हाथापाई किया, और जब और 50 आदमियों पे इनके केस डाल दिए गए। तो यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन भी आ चुका था, पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया कि हम तो घर से उठा कर ला सकते हैं। तो जो हमारे वो किसान साथी थे सुरेश जो शहीद हुए हैं, उनको वो डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने डर हो गया कि हाँ यहाँ तो बस वो ये पुकारना शुरू हो गया, उन्हें खाना भी नहीं खाया कि पुलिस आ गई, बिजली वाले आ गए, पुलिस आ गई, बिजली वाले आ गए। तो उनकी रात निकल गई, सुबह जैसे ही वो घूमने के लिए गए तो वो अपनी ट्रेन के आगे खड़े होकर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। तो आप लगातार तो धरना दे रहे हैं धमतान साहिब गांव में, कितने दिन हो चुके हैं धरना देते हुए? ये यहाँ पर 5 दिन हो गए हैं, डेड बॉडी भी यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा। हाँ, और कोई भी प्रशासन का या सरकार का या एमएलए मंत्री, इतनी घिनौनी हरकत हमने आज तक नहीं देखी जो सरकार में आज पहली बार हो रही है। यहाँ से एमएलए कौन है? यहाँ से एमएलए रामनिवास सुरजाखेड़ा है नरवाना से। मैं आपके पास आए? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आया है। और आखिरी पड़ाव पर आकर जब किसानों ने, मजदूरों ने, खापों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि कल 12 बजे जो हमारी दिल्ली और पंजाब को एक रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन को बंद किया जाएगा। बंद किया जाएगा। अच्छा, ये और बताइए जो बात जो सामने आ रही है कि जो महिला के साथ भी जो छेड़खानी जो की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जब हमारे घर में अगर कोई आता है तो क्या हमारी महिला बिना छेड़े किसी को कह देगी मेरे साथ छेड़खानी की है? जी 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 जी। अगर कुछ किया है तो वो कह रहे हैं बिना अगर मैं झूठा लाऊंगा तो कहां तक साबित होगा? सच्चाई बात में है, अगर सच्चाई नहीं होती तो यहां पर प्रशासन क्यों नहीं आया? बिजली का कर्मचारी जितने भी एसडीओ जेई एक्शन आज तक यहाँ पर नहीं आए धरने पर, 5 दिन से यहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई है, क्यों किस नींद में सोए हुए हैं? सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई हमारी मांगों के मानने के लिए क्यों नहीं आया? हमने तो आखिर में पता है क्या है, जब आदमी होश, मतलब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब लास्ट में आके हम लोगों ने, पूरी खा पंचायतों ने फैसला लिया कि 12 बजे रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। आप जो कल ट्रैक जाम कर देंगे, यदि वहाँ पर आपको लाठी बर सकती हैं और भी बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है, तो आप ऊन कैसे झेलोगे? देखिए हमारे पे चाहे गोलियां भी चलियो, हम हर हाल में 12 बजे रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं। जब हमारा सुरेश भाई की इन लोगों ने जान ले ली, ये इसका मतलब तो ये है कि हमारे को ऐसे ही मारते रहेंगे सारी पूरी उम्र। हमारा युवा साथियों का भविष्य खराब करना चाहती है, सरकार के पास नौकरी तो लगाने के लिए है नहीं, एक किसान के बेटे को मारने के लिए और मजबूर कर रही है। कब तक मरेंगे हम? हम मरेंगे नहीं, हम जो ये बिजली के कर्मचारी हैं जिन्होंने ये दोष किया है उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, और हमारे युवा किसान साथी को ये इसका हम बदला लेके छोड़ेंगे, वैसे हम उसको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। आपसे मिलने के लिए है पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी, या बात की जाए जो बिजली विभाग का अधिकारी आपके पास आपके बीच में आए हैं कोई? नहीं, आज तक कोई भी प्रशासन, सिर्फ हमारे नरवाना के SDM साहब, दूसरा हमारे ASP हैं कुलदीप जी, वो सिर्फ हमारे साथ मीटिंग करने के लिए जरूर आए हैं, लेकिन हाल फिलहाल उसमें कोई हमारा मसला हल नहीं हुआ है। और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, हम आज भी चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम उन पूर्वजों की नस्ल हैं जिन्होंने इस देश को भी आज़ाद करवाया है और इस देश का नाम ऊंचा किया है, हम डरने वाले नहीं हैं। कल ठीक 12 बजे हम सभी आपके माध्यम से, सभी किसान साथियों से, मजदूरों से, भाइयों से, खापों से, किसान संगठनों से यही ऐलान करते हैं कि सभी कल ठीक 9 बजे धमतान साहिब पहुंच जाएं और 12 बजे रेलवे ट्रैक को हम हर हाल में जाम ही करेंगे, चाहे हमारे ऊपर कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हटने वाले नहीं हैं जी। तो क्या लगता है फिर आपको
देखिए आज तक अगर किसान मजदूर ने जो भी आवाज उठाई है हारने का, तो इसमें काम ही नहीं है भाई साहब जी। हारेंगे तो हम है ही नहीं, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी खून है जो सरहद की रखवाली करता है इस देश की। अगर हमारा खून वहां से हट जाए ना, तो एक दिन में ये जो एमएलए मंत्री रेशियों में सोते हैं, एक दिन भी सोने नहीं दिया जाएगा इनको भाई साहब। हम वो कौम है और हम लड़ाई अपनी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, ना ही हम किसी के साथ कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ना किसी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा लड़ाई सरकार से है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी हम लड़ते रहेंगे, हर कीमत पर लड़ेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आपके साथ है हमारे गाँव के सरपंच, क्या हमारी पूरी उजाणा खाप आज कल से यहाँ पर 36 बिरादरी यहाँ पर समर्थन किया हुआ हमें कल से, और मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष होते हुए ऐलान करता हूं हमारी पूरी यूनियन जिला जिंदगी कल यहां पर होगी ठीक 10 बजे। और आज भी पूरी यूनियन आई हुई थी हमारी। कितने लोग यहां पर इकट्ठा होने की उम्मीद है? यहाँ पर कल तो लाखों की भीड़ होगी भाई साहब, आज हजारों की थी तो कल लाखों की भीड़ होगी, इसमें कोई शक नहीं है, दोराई नहीं है किसी भी हालत में जी। हम जीतेंगे, आज तक हम नहीं आ रहे हैं। और भाई सुरेश जो हमारे शहीद हुए हैं, उनकी जो हत्या हुई है उसका बदला लेकर रहेंगे, वैसे पीछे हटे नहींगे, इसका प्रशासन सरासर जिम्मेवार है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरुदेव उजाणा है, जिला महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन जी। धन्यवाद। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देर पहले है यहाँ पर महापंचायत यहाँ पर हुई थी, और एक बहुत ही बड़ा जो ऐलान है जो किया गया है यहाँ पर कि कल भाई जो रेलवे ट्रैक को है वहाँ पर उसको रोक दिया जाएगा, इनकी कल ट्रेनें को हरद कर जाएगा, क्योंकि जब ट्रैक ही जाम कर दिया जाएगा तो रेलें कहाँ से गुजरेंगी। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं आज तो जो धमतान साहिब में है, आज एक बहुत ही बड़ा फैसला जो लिया गया है, जो महापंचायत होने के बाद है, जो लोग अपने घरों की तरफ है जो निकल रहे हैं, जितने साथी इस वक्त आप जो जैर हरियाणा की माता से आप तस्वीर देख पा रहे हैं, तो आप इन तस्वीरों को लगातार है भाई आप से जो करें, हम फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।